तो सबको गुड इवनिंग। थंबनेल देख करके तो पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो आज आप लोग का टेस्ट होगा, जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको हमने क्लास 12 का चैप्टर 2 का सारे क्वेश्चन, थ्योरी, कंसेप्ट, एक्सरसाइज, एग्जांपल सारे चीज़ करा दिए। हमने बोला था कि अब आप लोग का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट से पता चला कि आप क्या कर सकते हो, आप कितने मार्क्स लाने लायक बन गए हो, इसी से पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो तैयारी है बहुत ही ज़बरदस्त हुआ होगा। और आज का जो टेस्ट है, आज जो आप टेस्ट हम लेने वाले हैं आप लोगों का, आज की टेस्ट को देते हैं तो आपको 100% कहता हूँ कि इस टेस्ट में हमने जो मार्क्स रखा है वो रखा है 5 to 10 और यानी 30 मार्क्स का, सिर्फ चैप्टर 2 से आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो 30 मार्क्स में आप 20 प्लस भी ला देते हो तो इतना समझ लो कि आप बहुत ही तैयारी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हम वे क्वेश्चन सेट किए हैं जो कठिन से कठिन है, और जो टेस्ट में क्वेश्चन है इससे इजी आपके एग्जाम में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो इस टेस्ट को आराम से दीजिए, पेशेंस के साथ दीजिए। 30 नंबर के लिए आपको 35 से 40 मिनट का टाइम रहेगा, समझ गए, और 40 मिनट में आप लोग गर्दा उड़ा देना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम अगले वीडियो में कल तक अपलोड कर देंगे इसका आंसर शीट, उसको चेक कर लीजिएगा और आप लोग जरूर मिलिएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, ये टेस्ट को कैसे देना है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या किया था, पिछले एक बार टेस्ट लिए हुए थे, इस तरह का आप लोग बक्स बना लीजिए। ठीक है, बक्स बना लीजिए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए ऐसे बीच में इसको कर दीजिए, ऐसे 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 अपने एक पेज पर, रफ पेज पर पीछे जा करके ऐसे कर लीजिए, या पन्ना एक पेज फाड़ लीजिए और ऐसे बना लीजिए। यदि मान लीजिए आपका पहला ए बी सी डी रहेगा तो पहला में ए भर दीजिएगा, मान लीजिए दूसरा में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है तो डी कर दीजिएगा, और जो सही होगा अपने हिसाब से ए बी सी डी कुछ भी आप भरते जाइएगा, इस तरह से 20 क्वेश्चन का बक्स बना करके। ठीक है, इसको बनाने के बाद जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और कल हम आंसर शीट भी अपलोड कर देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, चेक करिएगा कितना आपका मार्क्स आया, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना नाम और कितने मार्क्स आपका आया और कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब टेस्ट को शुरू किया जाए, और जो बच्चा आपका दोस्त होगा वो देना चाहता है टेस्ट तो उनको भी बुलाइए, उनको भी दिलवाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कोई भी तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान से पहले देखिएगा, क्वेश्चन को उतारिए अपने पेज पर मेरे साथ ही, क्योंकि आज तो सॉल्व करवाएंगे नहीं, देखना नहीं है, सिर्फ देख करके पेज पर उतारते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेन इनवर्स 1 इजकल टू व्हाट। आपका ऑप्शन दे देते हैं, ए ऑप्शन है पाई बाई 4 और बी ऑप्शन है पाई बाई 2 और सी ऑप्शन है पाई बाई 3 और डी ऑप्शन है पाई बाई 8। अब फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी बना डालो, वीडियो को पॉज कर लो, जल्द से जल्द बना करके ए बी सी डी और बॉक्स में भर दो, जो आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 1, बी है -1, सी है 0 और डी है 1/√2। तीसरा है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है पाई बाई 2 और बी है पाई बाई 4 और सी है आपका पाई और डी है 0। क्वेश्चन नंबर फोर है कि कॉस 7π/6
इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है 7π/6, बी है π/3, सी है π/6, डी है 5π/6। क्वेश्चन नंबर 5 है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान है, का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 0, बी है π/2, सी है π/2, हाँ ए वाला π/2, ए में π/2 दिया है ऑप्शन, क्योंकि लास्ट में आंसर मिलाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। ए में π/2 और ए है, बी है π/4 और सी है 1 और डी है -π/2। ये 5 क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। चलते हैं 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन जटिल है यानी कठिन है, लेकिन इसको बना देते हो ना टेस्ट में इससे आपको इजी आने वाला है। तो ध्यान रखिए 100% आपको सारे क्वेश्चन बनेगा, ओके। इसमें से हम जानते हैं कि 20+ ही आप लोग लाओगे, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं होगा। 6 नंबर देखो, कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान, का मुख्य मान होगा। ऑप्शन ए है π/4, बी है -π/2, सी है 5π/4, डी है -π/4। क्वेश्चन 7 है, tan inverse 1 + tan inverse 1/3 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है tan inverse 2, बी है tan inverse 3, सी है tan inverse 4/3 और डी है tan inverse 2/3, ओके। क्वेश्चन एट है कि sin inverse sin 2π/3 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है 2π/3, बी है π/6, डी है 4π/3, डी है π/3। क्वेश्चन 9 है, cos inverse 2x - 1 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है 2 cos inverse x, बी है cos inverse √2x, सी है 2 cos inverse √x और डी है नॉन, ओके। और अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। 10 देखो, 10 है आपका साइन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। π/3 - sin inverse - 1/2 का मान है, का मान है। ऑप्शन ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4, डी है 1, ओके। तो उम्मीद करता हूँ 10 तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन किए होंगे। जो नहीं बना होगा उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और जो लोग सब बना रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सब लोग से बनेगा यार, कोई बात नहीं। एक दो क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्या हुआ, होता है, ठीक है।
लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये कहाँ तक हम पहुँच गए थे, कहाँ तक पहुँच गए थे यार, 10 तक ना, तो 10 तक कहाँ था, हम लोग शायद घबरा गए, नहीं ना। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ चलो 11, 11 नंबर है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, सी है 1 और डी है 1/2। क्वेश्चन 12 है 12, कॉस 8π/5 इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 8π/5, बी है 12π/5, सी है 2π/5, डी है 4π/5। ओके, और 13 क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 का मान है, ऑप्शन ए है 7π/6, ऑप्शन बी है π/6, सी है -π/6 और डी है 5π/6। क्वेश्चन 14 है कि साइन 7π/6 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 7π/6, ऑप्शन बी है π/6, ऑप्शन सी है -π/6, ऑप्शन डी है 5π/6। क्वेश्चन 15 है कॉट इनवर्स 1/x इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बी है टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, सी है टेन इनवर्स एक्स और डी है कॉट इनवर्स एक्स। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व किया। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर किधर थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान, क्या होगा। ऑप्शन ए है 2π/3, बी है π/3, सी है -π/6 और डी है π/6। 16 के बाद 17 है कि 2 tan inverse x इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है sin inverse 2x/1 + x², बी है sin inverse 2x/1 - x², सी है
साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी है साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। और 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि थ्री सेक इनवर्स एक्स वन बाई एक्स माइनस साइन इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है पाई, बी है पाई बाई टू, सी है थ्री पाई बाई टू और डी है नौ। ओके, और ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो 19 नंबर देखो। 19 नंबर है कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू का मुख्य मान, का मुख्य मान। ऑप्शन ए है माइनस पाई बाई फोर और बी है थ्री पाई बाई फोर और सी है फाइव पाई बाई फोर और डी है नौ। ओके, 19 तक आप लोगों ने बढ़ लिया, अब चलो आगे। 19 तक हो गया ना, अब आगे देखते हैं 20। 20 के तरफ चला जाए तो 20 के तरफ आते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं 20 और ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है कॉट टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 0 और बी है 1 और सी है 1 बाई टू और डी है पाई बाई फोर। तो ये हुआ आपका 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, कर लिए ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है आइए। तो टू मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि फोर, ये सब प्रश्न बनवाए हुए थे ठीक है, कॉट इनवर्स थ्री प्लस कॉसेक इनवर्स रूट फाइव इजकल टू पाई। ओके, ये सिद्ध करना है। दूसरा है वही सिद्ध करें कि, ठीक है, ऐसे ऐसे करने का मतलब हुआ कि सिद्ध करेंगे, चाहे चलो लिख ही देते हैं, सिद्ध करें कि टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इजकल टू पाई बाई फोर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध करें कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 आपको प्रूफ करना है। चौथा है कि सिद्ध करें कि 9π/8, ये देखो एनसीईआरटी से है, -9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 तीन ही ना। हाँ, पांचवा है और लास्ट क्वेश्चन है हल करें। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल सा क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाई फोर। ये क्या करना है,
प्रूफ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया होगा, ठीक है। और प्रूफ कर लिए तो आपका काम क्या बनता है, वो जो बक्स बनाए थे वो बक्स पर सब लिख लीजिए, और कल हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सारे इक्वेशन सॉल्व हुए रहेंगे, ठीक है। वीडियो या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, पेज का, और जा कर के आप लोग मिला लीजिएगा। और कल से जो क्लास होगी वो हम लोग चैप्टर 5 यानी हम लोग बोले थे कि 2 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, तो 2 इज कॉम्प्लीट एक्सरसाइज एंड कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 5। सब लोग शुरू करना चाहते हो ना, चैप्टर 5 और 7 से यदि पढ़ लेते हो ना तो फिर तो आपका 11 नंबर आ जाएगा, SD लग जाएगा, ST मतलब स्टेटस डिग्री, ठीक है। ST लगाना है तो 2, 5, 7 हो जाएगा तो D लग जाएगा, और 10 अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, टॉपर में आ जाओगे मैथ में, ठीक है। तो 2 हो गया कंप्लीट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन भी आज आप लोग से बना, जो नहीं बना होगा कोई बात नहीं, सही जी क्वेश्चन आएगा, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए थे चुन चुन करके, लेकिन एग्जाम में इतना चुन कर नहीं लाता है, ठीक है, इजी ही पूछेगा आप लोग से। तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चैप्टर 5 को शुरू करने से पहले जितना आपके ग्रुप सर्कल में दोस्त हैं सबको बता दो, 5 शुरू हो रहा है, शुरू से कैसे पढ़ना है, कैसे नंबर्स लाना है, सारे चीज़ बताया जाएगा पहले वीडियो में, डिस्कस किया जाएगा। तो कल जो वीडियो आएगा बिल्कुल नहीं छोड़ना चैप्टर 5 का, ठीक है ना, बेसिक से पढ़ाएंगे, कल की क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे ग्रुप सर्कल में बता दिया करो अपने कि हाँ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नहीं पढ़ो फिर भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बक बक की ठीक है ना। तो चलो ऐसे तो मन कर रहा और पढ़ाएं, बट चलो इतना ही अच्छी क्लास, ठीक है, चैप्टर 5 में कल गर्दा उड़ाते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच।